अच्छा इंसान बनने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला और समाज सुधार के कई कार्यक्रम देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए विषयों के ऊपर चर्चा होती है और सभी तरह के विषयों के ऊपर बताया जाता है, जिससे एक होलिस्टिक व्यक्तित्व का निर्माण हो, संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो। ऐसे ऐसे विषय जो प्रतिदिन दिखाए जाते हैं, तो आज का उसी क्रम में हमारा विषय जो है वह जियो और जीने दो। भाई और बहनों, भारतीय संस्कृति मूल्य प्रधान संस्कृति है और इस संस्कृति के अंदर ऐसे मूल्यों को स्थान दिया गया है जिससे कि मानव सुख से सृष्टि के अंदर जी सके। इस संसार के अंदर जो भी जन्म लेता है वो सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता है। छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा भी वो सुख से जीवन यापन करना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा, कोई भी प्राणी किसी को कष्ट भी नहीं दे सकता है। वो अपना पुराने जन्म का, इस जन्म का कुछ लेन देन होता है, कुछ हिसाब होता है। किसी ने किसी को दुख दिया, किसी ने किसी को सुख दिया, उसकी पुनरावृत्ति उससे होती है। लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मारता भी है, कष्ट भी देता है, तो वो अपने पूर्व कृत कर्मों के कारण होता है। लेकिन फिर भी समाज के अंदर एक व्यवस्था होनी चाहिए कि किस तरीके से व्यक्ति शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में जीवन यापन करे। हमारी सृष्टि के अंदर कुल मनुष्यों की संख्या 7 अरब मानी जाती है और सभी 7 अरब की जनसंख्या किस तरीके से आपस में सुख के साथ, चैन के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन यापन करे। ऐसा कौन सा सिद्धांत होना चाहिए जिस जो सर्वमान्य हो और इसको पालन करने में किसी को कोई कष्ट ना हो, तो वह नियम है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट अदर्स लिव। जैन धर्म से संबंधित ये सिद्धांत है, ये भगवान महावीर का सिद्धांत है, ये अहिंसा पर आधारित सिद्धांत है कि हर प्राणी का जो है आप आदर करो और किसी भी प्राणी के साथ के अंदर दुर्व्यवहार मत करो, किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो। इसीलिए जी और जीने का सिद्धांत बना। यह एक मध्यस्थ मार्ग है, यह मार्ग ऐसा है जो सर्वमान्य है, इसमें ऐसी को कष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर सबके जीने की कामना की गई है और वह भी शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में जीने की कामना की गई है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, थोड़ा आज हम वर्तमान का जो सिनेरियो है, आज हमारे देश की जो स्थिति है, आज हमारे सृष्टि की जो स्थिति है, उसके ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालें तो हमें मालूम पड़ेगा कि इस सिद्धांत की अवहेलना हो रही है। चारों तरफ सृष्टि का दोहन हो रहा है। हमारे मूलभूत 5 तत्व है जिससे हर प्राणी का जीवन यापन होता है, हर प्राणी का उससे निर्माण होता है और हर प्राणी जो उससे पोषित होता है, वो 5 मूलभूत तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन 5 तत्वों का दोहन हो रहा है, दोहन भी नहीं, अति दोहन हो रहा है। पृथ्वी को देखिए, खदाने इतनी गहरी गहरी खुद गई है कि 1000 फुट, 10000 फुट के ऊपर। ये व्यक्ति की कंज्यूमिंग जो कल्चर है उसके कारण हुआ है, ये व्यक्ति का जो लोभ है उसके कारण हुआ है कि वह इसको जो है अधिक से अधिक दोहन करता जा रहा है। जल की बात देखिए तो जल का कितना प्रदूषण बढ़ गया है, जल कितना फालतू गिराया जाता है, जो हमारा उपयोग है उससे कई गुना फालतू जो है जल को वेस्ट किया जाता है। हम कई कई गांवों के अंदर देखते हैं, शहरों में देखते हैं, घरों में देखते हैं कि पानी की जो टूटी हमको चाहिए 1 लोटा पानी, 100 लोटा फालतू बह रहा है। व्यक्ति को स्नान करने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए, जहाँ वो 10 बाल्टी गिरा रहा है। इस तरीके से आखिर ये जल के बिना जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। हमारे शरीर के अंदर 60% पानी है और इस पृथ्वी के ऊपर
75% पानी है, जो अधिकतम खारा है, पीने योग्य पानी बहुत कम है, इस तरीके से हम दोहन करेंगे तो आखिर हमारी आने वाली जेनरेशन के लिए पीने को पानी कहाँ से मिलेगा? और पानी अगर नहीं मिला, शुद्ध वायु नहीं मिली, प्राण वायु, तो किस तरीके से हमारा जीवन व्यापन होगा? तो ये एक बड़ा सोचनीय प्रश्न है। इसी तरीके से वायु की बात करें तो आजकल वायुमंडल इतना दूषित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ गई है कि सूरज से जो पराबैंगनी किरणें आती है उसको ओजोन छतरी O3 होता है, वो उस ओजोन की जो छतरी बनी हुई है वो उस पराबैंगनी किरणों को रोक रही है। पराबैंगनी किरणें इतनी खतरनाक होती है कि इससे व्यक्ति बीमार हो जाता, लूला लंगड़ा अपाहिज हो जाता है, तो ऐसी खतरनाक को रोक रही है। लेकिन वह हमारे वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण जो है ओजोन छतरी के अंदर छेद हो गया और पराबैंगनी किरणें जो है सूर्य की जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर आने लग गई है। यह भी एक चिंता का प्रश्न हो गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि का देखिए कितना जो दुरुपयोग हो रहा है कि हमारे घरों के अंदर जो स्टोव को देखिए आवश्यकता है उसके अधिक जलाया जा रहा है, और उसके अतिरिक्त भी पंखे को देखिए, लाइट को देखिए, ट्यूबलाइट को देखिए, और पब्लिक जो स्ट्रीट लाइट्स को देखिए कितनी वेस्ट की जा रही है। ये एक एनर्जी वेस्ट है, ये नेशनल वेस्ट है, इसको नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अग्नि प्रकाश जो है अति आवश्यक है जीवन के लिए। पाँचों ही तत्व आकाश को कितना प्रदूषित किया जाता है। आकाश स्वच्छ रहना चाहिए ताकि सबको आनंद के साथ के अंदर स्वच्छ वायु मिले, स्वच्छ पानी मिले। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आज का सिनेरियो है। ये सिनेरियो क्यों बिगड़ा? ये असंतुलन हो रहा है। असंतुलन के कारण सुनामी आते हैं, भूकंप आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है। तो ये रोका जाना चाहिए। और ये जियो और जीने दो का सिद्धांत की हम व्याख्या करें तो ये इसके ऊपर जो है लागू होता है। हम जैन धर्म जहां से सिद्धांत आया है उसकी परिभाषा को देखें तो जैन धर्म मानता है पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तृष काय, सबके अंदर उन्होंने जीवन की अवधारणा की है। वहां पर जैन धर्म ने 24 तीर्थंकरों ने यह माना है कि जो पृथ्वी काय, पृथ्वी जो एक चट्टान के रूप में है उसको तोड़ा नहीं जाता जब तक वो कई जीवों का समूह होता है। काय को कहते हैं कि पृथ्वी के कई जीवों का समूह होता है, और जब तोड़ दिया जाता है, समूह टूट जाता है, इस तरह से जल की एक बूंद के अंदर विज्ञान जो मानता है, 34,000 जो है प्राणी आत्माएं मानता है, और जल अग्नि के अंदर जो है वो जीवन माना गया है, वायु के अंदर थेसेक्स नाम्स के जो वायरस होते हैं उनमें जीवन माना गया है, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका तो बसु हमको जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले ही सिद्ध कर दिया था कि प्राणियों के अंदर वही चेतना है जो मनुष्य में होती है, और तृष्का मतलब घूमने फिरने वाले एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रि इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव जंतु, वो तो साक्षात दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके अंदर जो है वो जीवन होता है। तो इस तरीके से आज इस सृष्टि का दोहन हो रहा है। ये दोहन होने का अर्थ क्या है कि जीने, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है, उनको कष्ट दिया जा रहा है। तो ये जीव और जीने दो का सिद्धांत क्या कहता है कि हमने इच्छा का, हमें अपनी इच्छा का परिमाण करना चाहिए, हमने इच्छा को सीमित करना चाहिए, इच्छा पर संयम करना चाहिए। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, अहिंसा सर्वभूय खेमं करी, अहिंसा सर्व कल्याणकारी है। और ये लिव एंड लेट अदर्स लिव, जी और जीने का सिद्धांत वो अहिंसा से जुड़ा हुआ है। और हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। तो अहिंसा और जियो और जीने दो का सिद्धांत एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये जो छह तरह के षट जीव निकाय बताए गए हैं इनके अंदर प्राण होते हैं, और हम उनका दोहन करते हैं, उनका प्राण लेते हैं, तो हम जीव और जीने दो का सिद्धांत जो है कहाँ मान्य कर रहे हैं, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, सिद्धांत का उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और उस उल्लंघन का प्रकृति हमें व्यक्तिगत रूप से कहिए या सामूहिक रूप से उसका दंड पनिशमेंट अवश्य देती है। प्रकृति माँ है और प्रकृति सबका भरण पोषण करती है, इसीलिए प्रकृति को जो है भरण पोषण करती है तो उसको दंड देने का भी, पनिशमेंट देने का भी अधिकार है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के विषय से हम ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को
अपनी जो जीवन शैली है, अपने जो लाइफ स्टाइल है, वो संयममय बनाने चाहिए। संयमा खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। मतलब खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, और हमारे डेली उपयोग की कोई भी चीज़ हो उसके अंदर संयम बरतना चाहिए, और लोभ की भावना को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। लोभ की भावना बढ़ती है, संग्रह की भावना बढ़ती है, तो जियो और जीने दो का सिद्धांत है वो खंडित होता है, और वो खंडित होने से असंतुलन पैदा हो जाता है, और वह असंतुलन जो है हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। और सारी सृष्टि जो है वो संतुलन के आधार पर टिकी हुई है। थोड़ा सा असंतुलन हुआ, संतुलन को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। जियो और जीने का सिद्धांत है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखता है। ये एक अच्छा संतुलन सारी सिद्धांत के माध्यम से सब सृष्टि में आ रहा है कि भाई मैं भी जीऊँ और दूसरा भी जिए। तीन तरह की चेतना हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मानी गई है। एक स्वार्थ की चेतना होती है, और एक परार्थ की चेतना होती है, एक परमार्थ की चेतना होती है। चार स्वार्थ की चेतना के अंदर व्यक्ति अपने तक ही सीमित तक होता है, अपने अपने परिवार तक, अपने शरीर तक ही सीमित होता है, और उसके अंदर अपने सेंसुअल प्लेजर्स करता है, वो इंद्रियों का सुख लेता है और खाने पीना ऐश आराम ये करता है, और उसके अंदर वो जियो और जीदो का सिद्धांत को भी का खंडन करता है। लेकिन जो दूसरी जो परार्थ की चेतना है, परार्थ की चेतना क्या बताती है कि मैं भी जीऊँ और दूसरे भी जीवे। एग्जैक्टली यही जी और जीने दो के सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि सभी आराम से जियो, सभी सुख से जियो। तो और तीसरा होता है परमार्थ की चेतना। परमार्थ की चेतना वाले ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं जो किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं। वो हमेशा मानते हैं कि प्रात मन वचन काया से जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं किसी का जो अहित नहीं करूं, और मैं आराम से जो है सबका भला करूं, जगत कल्याण करूं, ऐसी उनकी भावना होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस विषय के माध्यम से हमें एक जो है वो चिंतन को मोड़ना है। हमें अपनी थिंकिंग को विधायक बनाना है, सोच को विधायक बनाना है कि हमें कोई भी ऐसा कार्य हमारे डे टू डे प्रतिदिन जीवन के अंदर नहीं करना है जिसे किसी को भी कष्ट हो, हमारे साथ घर में रहने वाले प्राणी को भी कष्ट हो। मन से, वचन से, काया से, मन से करने का अर्थ ये हो गया हम किसी के प्रति बुरा सोचें, तो ये भी एक हिंसा है, ये भी जी और जीने दो के सिद्धांत का खंडन है। और वचन से हम किसी को कटु भाव कहें, किसी के ऊपर क्रोध कहें, किसी को गाली देवें और किसी को ऐसे अपशब्द बोलें कि उसको कष्ट हो, तो ये जो है वो इसका मतलब ये है कि अगले को तकलीफ होती है, टॉर्चर होता है। और तीसरा होता है काया। काया मतलब शरीर के द्वारा किसी को मारना, पीटना, रौंदना, ठीक है ना, और कोई किसी को एकदम हत्या कर देना, ये सारी चीज़ें काया से होती है। तो इस तरीके से जी और जीने दो का सिद्धांत एक सार्वभौम सिद्धांत है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये त्रैकालिक है। हर जो भूत, भविष्य और वर्तमान के अंदर सिद्धांत को लागू किया जाए तो इस सृष्टि के अंदर पूरा संतुलन बना रहेगा, और 7 अरब की जनसंख्या है, बड़े ही शांतिपूर्ण अस्तित्व के साथ में सर्वोदय होगा, सबका उदय होगा, सबको आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, अंतोदय होगा, और सभी लोग आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। क्योंकि सृष्टि का, जैसा कि मैंने नियम बताया, कि हर व्यक्ति जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, हर सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता है। हम किसी प्राणी को पैदा नहीं कर सकते हैं, तो किसी का जीवन हनन करने का, किसी के प्राण लेने का हमारा क्या अधिकार है? ये जियो और जीने दो सिद्धांत के ऊपर आधारित। अब दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफ़ी समय से बहुत गहन चिंतन के अंदर डूब गए थे, अब हम थोड़ा वो तरोताजा होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। हमने थोड़े समय का ब्रेक लिया, और ब्रेक के बाद के हम
तरोताजगी महसूस कर रहे हैं। अब हमारा निर्धारित विषय है, उसके ऊपर पुनः जो है हम अपनी चर्चा को जारी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, थोड़ा हमारा जो ये पुनरुत्थान कार्यक्रम है, यह सारी बात को कहने के बाद में निष्कर्ष पर आता है कि आखिर इस सिद्धांत को क्यों रखा गया है इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर। ये सिद्धांत इसीलिए रखा गया है जन चेतना को जागृत करने के लिए कि अपने दृष्टिकोण को बदलो, अपने नजरिए को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपनी थिंकिंग को बदलो। जो नेगेटिव थिंकिंग जो जा रही है उसको पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में रुख मोड़ दो। इंसान इंसान के अंदर फर्क क्या होता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति होता है वह ईश्वर के समान होता है, देवता के समान होता है, और नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति होता है वह राक्षस के समान होता है। वो व्यक्ति जो है दूसरों को कष्ट देने वाला होता है। जितना भी आज समाज के अंदर किसी भी प्राणी को, छोटे बड़े प्राणी को कष्ट दिया जाता है वो नेगेटिव थॉट्स के माध्यम से दिया जाता है। पहले हमारे दिमाग के अंदर सोच गलत होगी, सोच के बाद ही हम किसी से घृणा करेंगे और किसी को अहित करेंगे, किसी को गाली देंगे। अगर हमारे दिमाग के अंदर विधायक भाव है, किसी को सताने का भाव नहीं है, सहनशीलता का भाव है, त्याग का भाव है, उदारता का भाव है, मैत्री का भाव है, करुणा का भाव है, तो वह हमारे दिमाग में किसी को भी कष्ट देने की बात नहीं आएगी। अब देखिए, जी और जीने दो का सिद्धांत है मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च। ये चार तरह की उत्कृष्ट भावनाएं बताई गई है, उसके ऊपर आधारित है। और इस सिद्धांत को मान्य करने से, इस सिद्धांत को पालन करने से ये चारों भावनाएं अपने आप जीवन के अंदर जो है वो तरक्की करने लग जाती है। जीवन के अंदर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती, प्रगतिशील होती जाती है और हमारे जीवन का एक अंग हो जाता है। जैसे मैत्री एक एक को लेता हूँ। मैत्री, अगर हम अपने जो है वो दिमाग के अंदर ही सोचें कि इस संसार के अंदर मेरा कोई शत्रु नहीं है, सबके साथ मेरी मित्रता है, 84 लाख जीवायोनि के प्राणी में से कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, सभी मेरा मित्र है, 84 लाख जीवायोनि के प्राणियों को मैं निर्दोष घोषित करता हूँ, निर्दोष मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मेरी मानसिकता है कि इसके अंदर जितने भी चराचर जगत के अंदर छोटे बड़े प्राणी हैं उनका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है, सब है जगत निर्दोष, सब मेरा दोष। वो जो कुछ भी अगर मुझे कष्ट दिया जाता है वो दोष मेरा है, क्योंकि मेरा उनके साथ कुछ हिसाब है, मुझे कुछ लेन देन है, तो वो हमें वो रीपे करता है, दुख के रूप में करता है, सुख में। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो हमें पुनः जो है उसके जो उत्तर के अंदर प्रतिउत्तर में दुख देगा, और हमने किसी को किसी भी जन्म में सुख दिया है तो हमें वो सुख देगा। तो ये मैत्री और प्रमोद, देखिए कितनी सुंदर भावना भारतीय संस्कृति के अंदर, हमारी मूल्यवान संस्कृति है, मूल्य परक संस्कृति है, मूल्यों को स्थान देती है और मूल्य भी इतने इतने ऊंचे दर्जे के है। प्रमोद भावना, देखिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोद भावना होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसके प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति जलन नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आप भी बड़े काम करो, आप भी उससे बड़े बार काम करो। इसके लिए एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि एक गुरुजी ने एक अपने जो है बोर्ड के ऊपर, जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची और अपने विद्यार्थियों को कहा कि इस लाइन को छोटा कर दो। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ तो उस लाइन को थोड़ा सा मिटा करके और उसकी लंबाई को छोटा कर दिया। एक दूसरा विद्यार्थी खड़ा हुआ, उस लाइन के नीचे उसने बड़ी लाइन खींच दी, तो इस तरीके से गुरुजी ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया, उसको धन्यवाद कहा और उन्होंने कहा कि देखिए कितना समझदार व्यक्ति है, इसने बड़ी लाइन खींचने का अर्थ यह है कि आप भी बड़े बड़े अच्छे जगत कल्याण के कार्य करो, परोपकार के कार्य करो, लोगों की भलाई के लिए कार्य करो, तो आप महान हो जाएंगे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये आप मान करके चले कि हर व्यक्ति इस संसार रूपी रंगमंच के ऊपर जन्म लेता है, अपना अभिनय करता है और अपना अभिनय करके वो चला जाता है, लेकिन याद उनको किया जाता है। वो अमर वो लोग होते हैं जो समाज को देखे जाते हैं, जो परोपकार करते हैं, जो समाज का हित करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं, समाज का ऐसी कल्याणकारी योजना को लागू करके जाते हैं, तन मन धन का विसर्जन करके समाज के लिए ऐसी चीज बना करके जाते हैं कि समाज हमेशा उनको चिरस्थायी रूप से याद करता है।
है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, चिकित्सालय है, लोगों के सुख सुविधा के जितने साधन बना करके जाता है तो व्यक्ति हमेशा अमर हो जाता है, साहित्यकार होता है, वो अच्छी अच्छी कृतियों को लिख करके जाता है जो कि समाज में आने वाली जनरेशन उसको पढ़ करके अपना अच्छा पथ प्रशस्त कर सकती है। तो इस तरीके से ये हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोद भावना जरूरी है। जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी खुद उसके गुणों की प्रशंसा की जानी चाहिए, ये प्रमोद भावना। मैत्री पर करुणा, देखिए जी और जीने दो का सिद्धांत तभी सार्थक हो सकता है और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तभी हो सकता है। जी और जीने दो का सिद्धांत है वो अप्लाइड फिलोसॉफी तभी बन सकती है जब करुणा की भावना होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर पापकारी वृत्ति के प्रति घृणा होनी चाहिए। किसी को कष्ट देने का विचार आवे तो उसी क्षण उसके मन के अंदर प्रायश्चित की भावना आनी चाहिए, नहीं मेरा ये चिंतन ही गलत है, करना तो बहुत दूर की बात है, किसी को मन वचन काया से कष्ट देना तो बहुत दूर की भाव है। और जो ही अगर मान लो मनुष्य टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य जो है वो गलती का पुतला है, बात आ जाती है, लेकिन उसको उसी वक्त ही प्रायश्चित करना कैसी भावना मेरे में क्यों आई और हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो कि ऐसा नेगेटिव थॉट फिर से मेरे नहीं आवे। करुणा की भावना है, करुणा की भावना रखने से व्यक्ति सभी को अपने आत्मवत देखता है, आत्मतुला के ऊपर तोलता है, सबको एक जैसा नजर आता है। तो ऐसा जो सबको आत्मा एक जैसी नजर आती है तो कभी किसी को कष्ट नहीं देगा और जियो और जीने दे का सिद्धांत है वो सार्थक हो जाएगा। मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थास्त्र, देखिए कितनी सुंदर भावना है कि मध्यस्थ भावना। जीव और जीने दो का सिद्धांत स्वयं मध्यस्थ है कि मैं भी जीऊं और भी जिए, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जीऊं और भी नहीं। देखिए चार कैटेगरी बन जाती है, एक तो व्यक्ति कहता है कि स्वयं मैं ही जीऊं, दूसरे को जीने नहीं दूं। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि दूसरा जिए और मैं नहीं जीऊं, और तीसरा एक ऐसा व्यक्ति होता है कि वह भी जिए और मैं भी जीऊं, और चौथा ऐसा जो व्यक्ति होता है इस संसार के सारे प्राणी हैं वो आराम से जिए, शांतिपूर्ण से अस्तित्व जिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक सटीक उदाहरण के द्वारा जो है जी और जीने दो का सिद्धांत बताना चाहता हूँ। हमारा ये जो शरीर है जिसके अंदर 60 खरब कोशिकाएँ मानी गई है और हर कोशिका अपने आप में एक पावर हाउस है, उस कोशिका को अगर मनुष्य की एक कोशिका को कल्चर्ड मीडियम के द्वारा उसको प्रिजर्व्ड कर दिया जाता है, उसको मरने नहीं दिया जाता है, और वही कोशिका जो है किसी मादा के गर्भ के अंदर जो है ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, बिठा दी जाती है, और फिर उसका भ्रूण बनता है और भ्रूण बन करके वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो 9 महीने के बाद में उसका एक क्लोन तैयार होता है जिसकी जैसी कोशिका, मान लीजिए मेरी कोशिका थी तो 9 महीने के बाद के अंदर उससे जो है वो भ्रूण पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा हूबहू डोनर, यानी जिसकी जो है वो कोशिका है उसके जैसा हूबहू शक्ल का वो क्लोन तैयार होगा। इसके ऊपर बहुत थोड़े से एक्सपेरिमेंट हुए लेकिन अमेरिका ने इस पर बैन लगा दी है कि इससे बहुत अनैतिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उसके ऊपर तो कई वर्षों से विज्ञान जो है कार्य कर रहा है, जैसे ग्राफ्टिंग के माध्यम से जो है एक जैसे रोजेज की कई कई प्रजातियों को पैदा किए जाते हैं और एक जैसे रोजेज को बहुत सी संख्या में पैदा किया जाता है। भैंसों को देखिए, गायों को देखिए, एक जैसी की जाती, पशुओं को देखिए, पक्षियों को देखिए, ये क्लोनिंग की जाती है, सब्जियों को देखिए, पशु पक्षी जगत के अंदर दूसरे मनुष्य को छोड़ के सभी जगत में क्लोनिंग का, इसको क्लोनिंग सिस्टम कहा जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो एक ब्रांच होती है क्लोनिंग, उसके द्वारा ये सारा पैदा किया जाता है। तो मैं ये बात कह रहा था कि ये मध्यस्थता की जो भावना है कितनी सुंदर भावना, और ये हमारी बॉडी में 60 खरब कोशिकाएं कित मध्यस्थता की भावना से साथ चलती है। हर कोशिका अपना अपना कार्य करती है। आप देखिए अगर मान लो आपके शरीर के अंदर कहीं पर घुटने के अंदर दर्द हो रहा है और आपने जो है कोई दर्द की दवाई दी है तो वो पूरे ब्लड के अंदर, ब्लड सारे शरीर की एक एक कोशिका तक जाता है तो उस ब्लड के अंदर वो मिक्स हो जाएगी दवाई जाकर के, लेकिन उनमें रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी जो ये जो सेल्स होती है उसमें मुंह जो खुलता है उसको रिसेप्टर बोलते हैं। तो जो जिस स्थान पर दर्द है, मान लिए घुटने में दर्द है, तो वहाँ की कोशिकाओं के रिसेप्टर्स खुलेंगे और वो दर्द किसी पेन किलर को ग्रहण कर लेगी, शेष पूरे बॉडी के अंदर जितनी जितनी कोशिकाएँ हैं
उसको ग्रहण नहीं करेगी, वो उसके पास से वो गो थ्रू हो जाएगा, मुंह नहीं खोलेगी। तो कहने का अर्थ ये कि 60 खरब कोशिकाएं, इसको होमोस्टेटिक बोला जाता है, 60 खरब कोशिकाएं जो है मिलकर के इस शरीर का संचालन करती है और बड़े ही बैलेंस्ड वे के अंदर, बड़े ही डिसिप्लिन वे के अंदर इसको बॉडी को चलाती है। जब हमारा ये फिजिकल हेल्थ रहती है, तो मैं इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि शरीर की 60 खरब कोशिकाएं एक साथ जी और जीने दो के सिद्धांत मध्यस्थ भावना से रह करके शरीर का संचालन करती है। हमारी तो इस सृष्टि के ऊपर जो आबादी है, कुल 7 अरब की आज़ादी है, ये 60 खरब की कोशिकाएं, तो क्या ये इतना शरीर का एक संचालन कर सकती है? तो क्या 7 अरब की जनसंख्या जो है जी और जीने दो का सिद्धांत की एप्लीकेशन करके, इसको अप्लाइड करके अपने जीवन में, समाज के अंदर इस सिद्धांत को मान्य करके, सर्वमान्य करके, क्या वो एक साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व से नहीं जी सकते? भाई और बहनों, दर्शकगण, ऐसा एक सुंदर विषय है। इस सुंदर विषय के माध्यम पर मैं निष्कर्ष के तौर पर कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को और प्रारंभ से ही जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, बच्चों में ये संस्कार भरे जाने चाहिए कि लिव एंड लेट अदर्स लिव, जी और जीने दो का सिद्धांत जो है अपने जीवन के अंदर लागू करो। उस सिद्धांत से जो है हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। जब हम किसी को कष्ट नहीं देंगे तो कोई हमें कष्ट क्यों देगा? कभी नहीं देगा। हमें कष्ट क्यों मिलता है, चाहे इसी जन्म में हो चाहे अगले जन्म के? अगर मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ, किसी को थप्पड़ नहीं मारता हूँ, किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ, वो मुझे क्यों करेगा? किसी को रेस्पेक्ट दूंगा तो बदले के अंदर रेस्पेक्ट भी मिलेगी। एज यू शो सो यू विल रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। और टू द एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये दुनिया का नियम है, कारण कार्य का सिद्धांत। इसलिए भाई और बहनों, जी और जीने दो का सिद्धांत ऐसा मध्यस्थ सिद्धांत है और ऐसा एक त्रैकालिक, ऐसा एक शाश्वत सिद्धांत है कि इस सिद्धांत की जो है वो हमारे समाज के अंदर समग्र रूप से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और इसकी खूब चर्चाएं की जानी चाहिए और हमारा माइंडसेट बदलना है। आखिर देखिए, मनुष्य एक विकासशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है और ये सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है, सर्वोत्कृष्ट प्राणी है। लेकिन क्या है कि इसका माइंडसेट गड़बड़ा जाता है तो वह नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है। हमको ट्राई ये करना है कि व्यक्ति के नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के अंदर बदलने, और पॉजिटिव थॉट्स में बदलने के लिए हमारे पास में क्या प्रक्रिया होगी, क्या मेथोडोलॉजी होगी और किस तरीके से हम बदलेंगे, उसके अंदर जी और जीने का सिद्धांत उसके ऊपर प्रतिपादित करेंगे। भाई तुम भी जियो, हम भी जिए, सभी जिए, आराम से जिए, तुम भी प्रेम से रहो, हम भी प्रेम से रहो। हमारी सड़क चल रही है तो जितने वाहन चल रहे हैं धीरे धीरे अपने अपने दायरे के अंदर सभी चलते रहो। इतना बड़ा बिजनेस ग्रुप है, इतना बड़ी दुनिया है, तो व्यापार करने के लिए सैकड़ों रस्ते हैं। तुम दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता कि पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप सफल बना रहे हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप सुनते हो और इसको जीवन में उतार रहे हो। ये सबसे बड़ी इस कार्यक्रम की सफलता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर ऐसे ऐसे विषय दिए जाते हैं। इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जगत कल्याण करने का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसलिए आप भी उसको ग्रहण कर रहे हो, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आनंद के साथ में खूब आप जीवन यापन करें और आप परोपकार की भावना के साथ जगत का कल्याण करते रहे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।